पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले मुंबईकरों की परेशानियों में आज से और इजाफा हो गया है। आज यानी सोमवार से इस सप्ताह शुक्रवार तक रोज 300 से ज्यादा लोकल ट्रेन सेवाएं रद्द रहेंगी। इस संकट का सबसे ज्यादा असर पीक आवर्स में देखने को मिल रहा है। आज पहले ही दिन यानी सोमवार को पीक आवर्स में जब ट्रेनें विरार से चर्चगेट की तरफ जा रही थी, तभी यात्रियों की खचाखच भीड़ देखने को मिली। लोग अपनी जान खतरे में डालकर सफर करते हुए नजर आए। इन हालात में कुछ लोगों ने वर्क फ्रॉम होम को फिर से दोहराने का विचार किया है, तो कई लोगों ने वैकल्पिक साधनों की ओर जाने का मन बनाया है। वहीं यदि हम एक्सप्रेस ट्रेनों की बात करें तो इनकी एक अलग मुसीबत बनी हुई है। ब्लॉक के कारण एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को बोरीवली में ही टर्मिनेट किया जा रहा है। यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेनों को मैनेज करने में परेशानी हो रही है। बोरीवली स्टेशन पर ट्रेनों में पानी की सप्लाई करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऐसी ट्रेनों में वापी या सूरत में पानी की सप्लाई करने का फैसला लिया गया है। ट्रेनों के टॉयलेट्स में पानी न होने से यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। वहीं यदि हम ट्रेनों के कैंसिलेशन की बात करें तो पश्चिम रेलवे पर जो लोकल ट्रेनें हैं 30 नवंबर से 3 नवंबर के बीच रोजाना 316 लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं 4 नवंबर को 93 और 5 नवंबर को 110 सेवाएं रद्द की गई हैं। पश्चिम रेलवे की तरफ से लगातार यात्रियों को संदेश दिया जा रहा है कि अपनी यात्रा करने से पहले शेड्यूल जरूर चेक कर लें और यात्री ऐप के जरिए ट्रेनों के टाइम टेबल को समझ लें। ब्यूरो रिपोर्ट, इन24 न्यूज़।